निवेशकों की नजर जेटली के ऐसे ऐलान पर है जिससे ग्रोथ को रफ्तार मिल सके। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्या कांति घोष ने कहा, छूट देने से सरकारी खजाने पर 35,300 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, लेकिन हमें आय घोषणा योजना 2 की राजस्व और रिजर्व बैंक की निरस्त नोट देनदारी से संतुलित होने की उम्मीद है। ये भी कहा गया है कि आय घोषणा योजना के तहत करीब 50,000 करोड़ रुपए की कर वसूली और नोटबंदी की वजह से निरस्त देनदारी के तौर पर करीब 75,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। आइए जाने कि बजट में टैक्स जुड़े 6 ऐलान कौन से हैं। व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा 60 साल से कम आयु के लोगों के लिए। छूट सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाई जा सकती है। अलग अलग जानकार और अर्थशास्त्री इस बाबत अलग अलग तर्क और अनुमान रख रहे हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि लिमिट 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख की जा सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि ये 3.5 लाख तक भी की जा सकती है। तो वहीं EY का सर्वे कहता है कि सरकार को साधारण आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति वर्ष करना चाहिए और कंपनियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन और कटौती जारी रखनी चाहिए ताकि नोटबंदी के बाद उपभोग मांग और निजी निवेश को बढ़ाया जा सके। टैक्स में रिबेट मिले जो वर्किंग क्लास है उसके लिए बहुत टैक्स हायर स्लैब है। टैक्स में थोड़ा सा स्लैब बढ़ा देना चाहिए। हमारे एक्सपेंसेस इतने हो चुके हैं कि मतलब 10% के लिए फिर उसको सेविंग करनी पड़ेगी, उसको फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा टैक्स स्लैब बढ़ा देना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं देख रहा। SBI की रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर छूट सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक किया जा सकता है और बैंकों में 5 साल की सावधि जमा के बजाय 3 साल की सावधि जमा पर कर छूट दी जा सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार बजट में व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा बढ़ सकती है। आयकर की धारा 80C के तहत विभिन्न निवेश और बचत पर मिलने वाली छूट सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। पिछले बजट में जेटली ने सेक्शन 80CCD(1) के तहत नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने पर 50,000 रुपए अतिरिक्त टैक्स छूट की अनुमति दी थी, यानी कुल मिलाकर आप 2 लाख रुपए की छूट ले सकते थे। ये 80C और 80CCD दोनों के तहत निवेश करने पर मिलती है। अब इसमें जानकार कहते हैं कि सेविंग इंटरेस्ट रेट कम होने के चलते 50,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक की छूट मिलनी चाहिए। टैक्स में छूट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अभी 2.5 लाख तक छूट है तो हम चाहते हैं कि अगर 5 लाख तक छूट मिल जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। टैक्स कम लगना चाहिए बेसिकली, बिकॉज आजकल हर प्रोडक्ट में टैक्स लग रहा है। तो मैं तो ये चाहता हूँ टैक्स में रिबेट होना चाहिए। सरकार हाउसिंग लोन के तहत मौजूदा होम लोन खरीदार को ब्याज पर छूट 2 लाख रुपए की मिलती है। इस छूट को 2.5 लाख रुपए किए जाने के लिए कहा जा रहा है। देश में इस वक्त 75 लाख होम लोन बार हैं। ऐसे में होम लोन इंटरेस्ट में मिलने वाली छूट के 2 से 2.5 लाख होने से उन्हें सीधा फायदा होगा। लोगों की नजर सर्विस टैक्स की घोषणा पर भी है। जानकार मानते हैं कि जेटली सर्विस टैक्स को बढ़ा सकते हैं, जो कि अभी 15% है। GST के रेट्स के साथ तालमेल बिठाने के लिए हो सकता है कि सर्विस टैक्स इस बार बजट में 1% बढ़ा दिया जाए। बता दें कि 1 जुलाई को GST लागू होने की बात कही जा रही है। अब जेटली कितनों की उम्मीदें पूरी करेंगे ये 1 फरवरी को ही पता चलेगा। अमित यादव, APN।